अगर आप चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में रहते हैं, अपने घर के लिए फर्नीचर लेना चाहते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से खरीदें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको चंडीगढ़ की एक ऐसी मार्केट में लेके जाऊंगी जहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फर्नीचर मिल सकता है। ऑल्सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको 3 शॉप के रिकमेंडेशंस भी देने वाली हूँ जहाँ से आप बिना स्ट्रेस के अपने घर की फर्नीचर शॉपिंग कर सकते हैं। हेलो हेलो जी, क्या हाल चाल है? होप सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे और बहुत खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंटीरियर और होम डेकोर से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, तो बल्टाना की फर्नीचर मार्केट जाने के लिए आपको के एरिया के बिल्कुल सामने वाली रोड लेनी है। इस रोड पे आगे जाते जाएंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा सिर्फ फर्नीचर की शॉप्स आएंगी। बीच में एक प्रीत पैलेस भी आता है, आप गूगल पे ये भी सर्च कर सकते हैं। इस मार्केट की पहचान सिर्फ यही है कि यहाँ पे लगातार सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर की शॉप्स है। ठीक है जी, तो इस मार्केट के अंदर आपको महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते फर्नीचर मिल सकते हैं। बस बहुत सारा फर्नीचर बाहर पड़ा होने के कारण गंदा हो जाता है, तो ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा देख संभल के लें। ठीक है जी, अगर आप अपनी कार से यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये संजीवनी क्लिनिक के बिल्कुल सामने पार्किंग एरिया है। आप अपनी कार पार्क करके भी यहाँ पे घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट को। अराउंड 150 शॉप्स हैं, थोड़ा ओवरवेल्मिंग हो जाएगा, हो सकता है आपको समझ ना आए कहाँ से लें कहाँ से ना लें। तो मैं आपको 3 ऐसी बहुत ही बेहतरीन शॉप्स बताऊँगी जो मुझे मिली एंड जहाँ का फर्नीचर मुझे एक्चुअली अच्छा लगा। ठीक है जी, हाँ जी, हमारी जो फर्स्ट शॉप थी वो थी डेकोर्स लग्जरी फर्नीचर। एड्रेस इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी मैं। शॉप बाहर से दिखने में ही काफ़ी अच्छी और लग्जरी वाइब दे रही थी। फर्नीचर भी काफ़ी डिज़ाइनर था इनका, कॉस्ट काफ़ी जायज़ था डिज़ाइन के हिसाब से, बिकॉज बहुत प्लेन फर्नीचर भी कई बार बहुत महंगा आ जाता है, तो आई थिंक उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे प्राइसेस थे इनके। कॉस्ट क्या होगी इसकी? 25,000। और ये 36,000 विद साइड टेबल? 36,000। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 25,000 या 36,000 कम पैसे होते हैं, क्योंकि बहुत होते हैं यार। बट बात ये है ना कि फर्नीचर महंगा ही आता है और डिज़ाइंस और क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है कॉस्ट, और जो डिज़ाइंस और क्वालिटी यहाँ पे थी उस हिसाब से आई थिंक रेट्स जायज़ है। ठीक है जी, बाकी अगर आप बार्गेनिंग करो तो घटवा तो सकते हैं, है ना जी? ये 36,000 का। ओके, और ये सारे किंग साइज बेड हैं? ठीक है, क्वीन साइज नहीं होते आपके यहाँ? ऑन ऑर्डर होता है। ओके, और कितने टाइम में मिल जाता है अगर ऑर्डर किया जाए? 7 to 10 days आप दे देते हैं। ठीक है, अगर आपको गलती से भी लगे कि मुझे किसी ने पैसे दिए हैं सब बोलने के लिए तो काश कोई दे देता। ये जो अगर किसी में 32,000, ये 42,000 में है। ओके, हाँ जी, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फर्नीचर शॉप में जो है फाइन टच फर्नीचर्स। यहाँ की बेस्ट बात मुझे क्या लग रही थी ना कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस थे आपके पास। आपको कलर वगैरह कस्टमाइज़ कराना हो, डिज़ाइन कस्टमाइज़ कराना हो, आप सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ठीक है जी, इधर आपको कलर मिल जाएंगे, इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, अच्छा, तो आप कस्टमाइज़ कर देते हैं? बिल्कुल मैम। और कितने दिनों में मिल जाता है? लगभग 4-5 दिन का टाइम लगेगा। ओके, और क्या कॉस्ट क्या पड़ती है जनरली? जैसे ये आपका 28 का पड़ेगा बिड साइड टेबल। ओके, इस बेड पे एक कबर्ड बेड है, इसमें 40 कलर मिल जाएंगे आपको ऑप्शन। जैसे वो आपका पर्पल वाला आ गया, वो भी आपका 28 का पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये आपका व्हाइट व्यू में आ गया, ये भी आपका 28 का पड़ेगा विद साइड टेबल जैसा। विद साइड टेबल, ये वाला काफी प्रिटी है, है ना? ये बहुत सुंदर है ये वाला। हाँ जी, तो अब चलते हैं अपनी लास्ट शॉप पे जो मेरी पर्सनल फेवरेट थी इन तीनों में से, AK होम फर्नीचर्स। मैं बोलूँगी प्राइस कंपैरेटिवली दोनों से इसके थोड़े ज़्यादा थे, बट वैरायटी भाई साहब बहुत गलत वैरायटी रखी हुई थी यार इन्होंने। जैसे कि आप ये सोफ़ा ही देख सकते हैं, दे आर वेलवेट इन मटीरियल एंड इतना लग्जरी वाइब था इसका। कॉस्ट 46,000 थी, मैं कहूँगी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट बाहर यार और महंगा मिलेगा, लाखों में मिलती हैं ये चीज़ें।
ये अगर टेबल इंडिविजुअली लेनी हो मिल जाती है? इसका इंडिविजुअली कॉस्ट है। अभी टेबल इतनी सुंदर थी ना कि शायद मैं 19,000 इस टेबल के लिए दे भी देती, बिकॉज बहुत प्यारी थी यार। एंड ऐसी इनके पास बहुत सारी टेबल्स थी, सोफ़ाज़ में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के सोफ़ाज़ हैं, एल शेप सोफ़ाज़ भी हैं। एंड जैसे ये सोफ़ा था, इट वॉज 30,000। 30,000 से सस्ता सोफ़ा क्या आएगा अब, है ना? तो आई थिंक ये शॉप वर्थ थी। थोड़ा बार्गेन करके शायद जो प्राइसेस यहाँ लिखे हुए हैं उनसे आप कम भी करवा सकते थे, मैंने कोशिश नहीं करी, ठीक है ना? हाँ जी, तो अगर आपको भी कोई ऐसी शॉप पता हो जहाँ की वैरायटी अच्छी है, प्राइसेस जेन्युइन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है जी? हाँ जी, तो जो ये वाली टेबल थी ना, ये मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट थी। इसका तो मेरा मन कर रहा था मैं खरीदूँ, ज़रूरत नहीं थी तो फिर नहीं ली, अदरवाइज़ अगर मैं लेने गई होती ना सामान तो मैं इसे डेफिनेटली खरीद लेती, ठीक है जी? हाँ जी, तो सारे एड्रेसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सही है यहाँ का सामान। अगर आपको कोई और अच्छी शॉप पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई बढ़िया मार्केट पता हो तो वो भी बता देना यार, ठीक है जी? हाँ जी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ऑल्सो जो जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, घर सेटअप कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टाटा।